पद वही लेकिन पार्टी बदल गई। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एट न्यूज। मैंने कहा कि पद वही लेकिन पार्टी बदल गई। बात कर रहा हूं मैं श्याम रजक की। श्याम रजक राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे। अब वो राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देकर जदयू के सदस्यता ले चुके हैं और आज नीतीश कुमार ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव के पद से ही नवाजा है। यानी कि पार्टी राजद से बदलकर जदयू में चले गए लेकिन पद राष्ट्रीय महासचिव का ही कायम है श्याम रजक के। अब इसके पीछे का क्या है कारण, मैं आपको वो बता देता हूं। देखिए, अगर देखा जाए तो बिहार में इस वक्त जो रजक समाज यानी कि धोबी समाज की जो संख्या है वो तकरीबन 10 लाख के आसपास है। और 10 लाख के आसपास की जनसंख्या में अगर देखा जाए कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा नेता, तो उसका इकलौता नेता श्याम रजक है। और इसी के कारण राजद में जब श्याम रजक थे तो राजद ने राष्ट्रीय महासचिव का पद देकर यह संदेश देने का प्रयास किया कि राजद जो है धोबियों का सम्मान करते हैं और धोबी का वोट श्याम रजक के नाम पर राजद की तरफ खींचने का प्रयास किया गया था। लेकिन श्याम रजक राजद में संतुष्ट नहीं रहे। श्याम रजक चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन ना तो उन्हें लोकसभा में मौका मिला, ना MLC के तौर पर राज्यसभा भेजा गया। जबकि लोकसभा के चुनाव से पहले उन्हें लालू यादव ने क्षेत्र में काम करने की सलाह भी दी थी। श्याम रजक लंबे समय तक अपने क्षेत्र में रहे, काम भी किए, इसके बावजूद टिकट नहीं मिली, जिससे नाराज होकर श्याम रजक ने राजद से इस्तीफा दे दिया था और जदयू ज्वाइन कर लिए थे। अब जदयू में ज्वाइन करने के बाद जो जिम्मेदारी राजद में श्याम रजक की थी वही जिम्मेदारी जदयू ने दिया श्याम रजक को, ताकि जो वोट बैंक राजद में चला गया था श्याम रजक के साथ वो वोट बैंक श्याम रजक के साथ ही जदयू में चला है। यानी कि धोबी वोट बैंक पर सीधी नजर है नीतीश कुमार की। और धोबी वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है लेकिन इकलौते नेता है श्याम रजक, तो इससे इस बात की पूरी संभावना है कि धोबी वोट बैंक एकमुश्त श्याम रजक के पीछे ही आएगा। यानी कि जिस पार्टी में श्याम रजक रहेंगे धोबी उसी पार्टी को वोट करेंगे। इस चीज को नीतीश कुमार समझते हैं और नीतीश कुमार ने यही सोच समझकर श्याम रजक को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। लेकिन उधर दूसरी तरफ अगर राजद की बात करें तो राजद श्याम रजक के चले जाने से कोई भी नुकसान नहीं बता रही। हालांकि 10 लाख वोट एक बड़ा अमाउंट होता है लेकिन इसके बावजूद राजद का कहना है कि श्याम रजक के पास बहुत ज्यादा वोट नहीं था, उनके चले भी जाने से कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर छोटी मोटी समस्या भी उत्पन्न होगी तो श्याम रजक का सब्स्टिट्यूट भी हमारे पास, यानी कि श्याम रजक के बदले कोई और ऐसा नेता है जिसको हम आगे करेंगे और धोबी समाज को अपने साथ रख लेंगे। इसको लेकर रणविजय साहू राजद के प्रधान महासचिव हैं, उन्होंने बयान जारी किया था और बयान में कहा था कि हमारे पास रजक समाज को रोकने के लिए मुन्नी रजक हैं, यानी कि श्याम रजक के खाली जगह को मुन्नी रजक से भरकर जो धोबी वोट बैंक राजद से जदयू में शिफ्ट हो रहा होगा उसको रोका जाए, ये जो है प्लान है राजद का। हालांकि देखने वाली बात है कि क्या श्याम रजक जितना बड़ा चेहरा अब तक बिहार में बना चुके हैं खुद का, मुन्नी रजक उनको टक्कर दे पाएगी। जो वोट बैंक श्याम रजक लेकर जदयू से राजद से जदयू करते हैं, क्या मुन्नी रजक उस वोट बैंक को राजद में रोक पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, आप भी अपनी राय रखिए और जुड़े रहिए दैनिक न्यूज के साथ। धन्यवाद।